एक बार फिर हम आ चुके शीतल दास की बगिया और आज हनुमान जन्मोत्सव है। तो विराज आपको कुछ आज से नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो आज कुछ स्पेशल आपको सुनाएंगे। विराज एक स्टूडेंट है, उसे 24 घंटे पढ़ना चाहिए, ये भी आराधना होती है और ये अपने आप में तप है। तो विराज ने कुछ प्रिपेयर करा है हनुमान जन्मोत्सव के लिए, तो विराज आपको सुनाएंगे। हाँ विराज जी, चलो मैं आपको पार्ट्स ऑफ साइंस सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स इज अ फिजिकल फेनोमेना ऑफ मैटर एंड एनर्जी। द फिजिकल फेनोमेना ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स, एंड ऑल फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस, और ऑल द मैटर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एटम टू द बिगेस्ट सेलेस्टियल बॉडी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की तो हो गई है, केमिस्ट्री की सुनाते हैं। केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कंपोजिशन इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डील्स विद द बेसिक एलिमेंट्स दैट इन कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल काइंड्स। अब बायोलॉजी की डेफिनेशन मेरे को सबसे ईजी लगती है, और कुछ कुछ लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। यही पढ़ेंगे ना, कुछ मुश्किल नहीं है, तो बायोलॉजी की भी सुनाते हैं। द साइंस ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रांचेस। जूलॉजी बॉटनी विच डील्स विद प्लांट, एंड जूलॉजी विच डील्स विद द एनिमल वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड। साइंस ने ह्यूमंस को भी एनिमल ही बोला है, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन भी एक तरह के जीव ही है ना। एनिमल्स को भी जीव बोलते हैं और ह्यूमंस को भी जीव बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, बस ह्यूमंस जो हैं उनमें वो ह्यूमंस पढ़ सकते हैं, पशु नहीं पढ़ सकता है, बस इतना डिफरेंस है मनुष्य और पशु। थैंक यू। और साइंस ने मनुष्य और पशु को समान समझा है। अगर पशु को भी ट्रेन किया जाए, तो साइंस ये बोलती है कि अगर पशु को भी ट्रेन किया जाए तो वो भी कुछ कर सकता है। एक ब्रिटेन नाम का देश है, पहले उन लोग को ऐसा ट्रेन किया गया था, एक डॉग की प्रजाति थी उन लोगों को, ब्रिटेन तो नहीं था, कोई सॉरी था, उन लोगों को ऐसे ट्रेन किया गया कि वो सुबह की ट्रेन पकड़ के काम पे आते, वो करते कुछ नहीं थे, बस गार्डिंग करते रहे हाउस, काम पे आते और शाम को ट्रेन से वापस आ जाते। चलिए, अच्छा आपने करा विराज जी, अच्छे दिन शुरुआत करिए, कंटिन्यू करेंगे, हम सबकी की शुभकामनाएं। और आप सभी को भी बहुत सारी हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। इसे हनुमान जयंती नहीं बोलेंगे, क्योंकि जयंती उन लोगों की होती है जो उनकी डेथ हो जाती है। और कलयुग के देवता है हनुमान, जो कलयुग में हमारे साथ है। हनुमान जी चिरंजीवी, उनकी कभी डेथ नहीं होती। जय श्री राम, जय राम भक्त हनुमान, जय श्री राम। भगवान जी में कभी भी जयंती नहीं होती, क्या होता है जन्मोत्सव। और जो भगवान प्रकट होते हैं, जैसे नरसिंह भगवान और भैरव भगवान ठीक है, और क्या अपने भैरव भगवान हो गए, और ये वीरभद्र, इन लोगों को प्रकटोत्सव लगाते हैं, क्योंकि ये प्रकट हुए थे पापियों के विनाश को प्रकट हुए। तो बहुत अच्छा करा आपने, और ये नई शुरुआत है, अब आपको रोज कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और भी हम नया शुरू करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो राम भक्त हनुमान की जय।